जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में आने के बाद हमें बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन कंसिडरेशन के लिए था कि क्या एक हिंदू विडो डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम करने की हकदार है या नहीं, इफ यस तो किन कंडीशंस पे, इफ नो तो क्यों नहीं। और साथ ही हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 के कुछ रिलेवेंट प्रोविजंस पे डिस्कस करेंगे। सो यही सारे टॉपिक है जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने हैं। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। आशा और अजय की शादी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक हुई और शादी के 4 साल में ही अजय की डेथ हो गई। आशा का ऐसा कहना है कि अजय की डेथ के बाद उसके इन लॉज का बिहेवियर उसके साथ बहुत चेंज हो गया। वो उसे इग्नोर करने लगे थे। उन्होंने अजय का एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक भी आशा से ले लिया था। आशा को उस घर में बहुत घुटन महसूस होती थी और इसलिए वो अपने फादर के घर पर शिफ्ट हो गई। आशा ने सेक्शन 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 के तहत फैमिली कोर्ट में अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट में एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल किया। अपने मेंटेनेंस एप्लीकेशन में उसने ये मेंशन किया कि किस तरह से उसके इन लॉज ने उसे इल ट्रीट किया, अजय के एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक उससे छीन के किस तरह से उन्होंने उसे फाइनेंशियली डिप्राइव कर लिया, उन्होंने उसे इनडायरेक्टली इतना फोर्स किया कि उसे अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़कर अपने फादर के घर पे शिफ्ट होना पड़ा। आशा ने अपनी मेंटेनेंस एप्लीकेशन में यह भी मेंशन किया कि उसके फादर इन लॉ की विलेज में कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी रेंट पर है और हर महीने उनको उसका रेंट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आशा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो खुद को फाइनेंशियली मेंटेन करने की काबिल नहीं है, इसलिए उसने कोर्ट से प्रे किया कि उसे 7,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ ग्रांट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ फादर इन लॉ ने आशा की मेंटेनेंस एप्लीकेशन पे अपना रिप्लाई फाइल करते हुए अपने रिप्लाई में मेंशन किया कि आशा अपनी मर्जी से मैट्रिमोनियल होम छोड़ के गई थी, उसे किसी ने फोर्स नहीं किया था। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अजय के ट्रीटमेंट में उनका बहुत पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है और वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आशा को किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस अमाउंट पे कर सके। एविडेंसेस को इवेल्युएट करने के बाद फैमिली कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास करते हुए फादर इन लॉ को 2,500 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ आशा को पे करने का डायरेक्शन दिया। फादर इन लॉ फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में ये प्रेजेंट अपील फाइल किया। एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, फादर इन लॉ के एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा कि अगर आशा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 के तहत फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है तो उसे 3 पॉइंट प्रूफ करने होंगे। नंबर 1, कि उसकी खुद की कोई अर्निंग या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नंबर 2, वो खुद को फाइनेंशियली देखभाल नहीं कर सकती है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है। नंबर 3, वो अजय की प्रॉपर्टी में से किसी तरह का भी मेंटेनेंस ऑप्टेन नहीं कर पा रही है और ये तीनों ही पॉइंट अभी तक आशा ने कोर्ट के सामने प्रूफ नहीं किए हैं। उन्होंने आर्ग्यूमेंट करते हुए ये फैक्ट भी कोर्ट के सामने लेके आए कि आशा के नाम पर कुछ लैंड रजिस्टर्ड है जिनसे वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकती है और इसलिए फादर इन लॉ को मेंटेनेंस पे करने के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आशा के एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा, नंबर 1, जो लैंड आशा के नाम पे रजिस्टर्ड है वो आशा के पोजीशन में नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है और सिविल कोर्ट में उसका सूट पेंडिंग है। नंबर 2, आशा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी कोई भी अर्निंग या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इसलिए वो खुद को फाइनेंशियली मेंटेन नहीं कर सकती है। नंबर 3, अजय की सारी प्रॉपर्टी फादर इन लॉ के पोजीशन में है और इसलिए आशा अजय की प्रॉपर्टी में से किसी भी तरह का कोई भी मेंटेनेंस ऑप्टेन नहीं कर पा रही है और इसलिए फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में किसी भी तरह के इंटरफेरेंस ना करते हुए इस अपील को खारिज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस केस में क्या व्यू लिया था ये समझने से पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है कि सेक्शन 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 इसके बारे में क्या कहता है। सेक्शन 19 के मुताबिक एक वाइफ अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे कंडीशन इम्पोज की जा रही है। कंडीशन नंबर 1, अगर वो खुद को फाइनेंशियली मेंटेन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी खुद की कोई अर्निंग नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से वो खुद को मेंटेन कर सके। नंबर 2, उसके हस्बैंड की, फादर की, मदर की, सन की या डॉटर की कोई प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पा रही है। क्यों? हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के पोजेशन में हो या हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो और किसी कोर्ट में उसका केस चल रहा हो। सो ऐसी कंडीशन में एक विडो डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन यहां भी उस वक्त तक जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं करती। अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो उसे किसी तरह का मेंटेनेंस यहां से नहीं मिलेगा। सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को इवेल्युएट करने के बाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट डिलीवर किया। अपने जजमेंट में हाई कोर्ट ने मेंशन किया कि इस केस में आशा
फाइनेंशियली तौर पर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है। उसकी ना तो कोई अर्निंग है, ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, और ना ही उसके पास कोई प्रॉपर्टी है। आयशा के हस्बैंड की प्रॉपर्टी उसके फादर इन लॉ के पोजीशन में है, और इसलिए वो उस प्रॉपर्टी से भी कोई मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पा रही है। आयशा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसके पेरेंट्स के पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर उसके पेरेंट्स के पास कोई प्रॉपर्टी होती भी, तो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता है, और इसलिए इस केस में आयशा अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम करने की हकदार है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के 2,500 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ के ऑर्डर को इनहेंस करते हुए 4,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ फादर इन लॉ को पे करने का ऑर्डर दिया। आपको ये जजमेंट कैसा लगा? इस जजमेंट में क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको सही लगी? क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए था? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो इतना एफर्ट डाल रहा हूँ वो फ्रूटफुल है या फिर फ्यूटाइल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।